नागरिकता संशोधन एक्ट और एनआरसी के खिलाफ जोकीहाट के लोगों ने पैदल मार्च किया है। बिहार बंद के दौरान हजारों लोग सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आरजेडी विधायक शहनवाज आलम ने मार्च का नेतृत्व किया जो 9 किलोमीटर तक चला। इस मौके पर शहनवाज आलम ने कहा कि काला कानून से पूरा भारत जल रहा है, भाईचारगी और गंगा जमुना तहजीब को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए इस कानून को वापस लेना जरूरी है। पूरा भारत जल रहा है, इस कानून का मुखालफत हर जाति, हर धर्म, हर समाज का हर तबका कर रहा है। पूरे भारत का मांग है ये जो काला कानून आया है सरकार इसको वापस ले। जो भाईचारगी को ख़त्म कर रहे हैं, हिंदुस्तान के तहजीब व तमद्दुन को ख़त्म कर रहे हैं, हम उसके जो है बिल्कुल बायकॉट करते हैं। ये कानून जो है हम लोगों को नहीं क्या मांग कि ये जो काला कानून जो हम लोगों पर थोपा जा रहा है, हम लोग इसके सारे खिलाफ है और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेगा हम लोग तब तक इसके खिलाफ में लड़ते रहेंगे। चाहे हम लोगों का जान चले जाए, माल चले जाए, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम लोग इसके लड़ते रहेंगे। हम लोग अभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, इसमें लगभग 20,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति थी। हम लोगों का बस एक ही मकसद था कि सरकार CAB और NRC को वापस ले। हम लोग भारत के पुराने ये है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है हम लोग एक अलग नीति अपनाई हुई है। भारत जनता जनतांत्रिक देश है, जनता द्वारा जनता के लिए चलाई गई शासन है। हमारे द्वारा ही चुनी गई सरकार आज हमारे ही खिलाफ हमसे ही सर्टिफिकेट मांग रही है। सरकार आपकी ऐसी नहीं चलेगी और हम लोगों के खून में शहीदों का खून बसता है। ना कभी पहले डरे थे गौरों से, ना आज डरेंगे चोरों से।